रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की, बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। आज मैं हूँ मालवे नगर में और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट, और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा, और यहाँ पे है जी दो बुजुर्ग जो कि काम कर रहे हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? और आंटी आपका? कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। 80 साल की है आप? तो अंकल कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये काम कर रहे हैं 88 से। सन 88 से ये काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो अंकल क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? दाल चावल सब्जी है। तो ये देखिए जी, आंटी जो है अपने हाथों से यहाँ पे रोटी बनाती हैं तवे की, और बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं दोनों मिलके यहाँ पे। ये देखिए जी, ये है इनके चावल। ये चावल है 3 पाव। अच्छा जी, तो ये आप ये भी नहीं बिक पाते? नहीं सर, नहीं बिक पाते। चलिए कोई बात नहीं, आज का बीड़ा तो मैं लेता हूँ आपका, जितना भी खाना है आज सारा मैं अपनी तरफ से आपको इसका पे करूंगा। और ये दाल है जी, ये दाल आधा किलो, आधा किलो दाल भी नहीं बिकती है। माय गॉड, मेरे पास सीरियसली शब्द नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने दाल बनाई है जी, मिक्स दाल बनाई है। अंकल क्या कीमत रखी है इसकी? हाफ प्लेट 30 रुपए का है। 30 रुपए का हाफ प्लेट है। चलिए और क्या बनाया अंकल? आलू सोयाबीन। अच्छा जी, क्या बढ़िया एकदम आलू सोयाबीन की सब्जी है। देखिए जी, तो आप और आंटी मिलके लग जाते हैं सुबह से बनाने के लिए जी। ओए होए, ये देखो भाई जरा मटर पनीर। ओए होए, क्या बात है अंकल, कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? हमारी कमाई तो अभी तक हमारे पास ये, हमारी पास ये गुजारी हुई नहीं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी तो इनकी लागत हो जाती है जितनी की ये कमाई नहीं कर पा रहे। इतनी बढ़िया आप सब्जी बनाते हैं अंकल, फिर भी नहीं बिक पा रही है? छोटे बाद मैं आपको एक बार अंदर आके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए आंटी यहाँ बेचारे, ये देखिए कितनी छोटी सी इनकी एक कुटिया जहाँ पे ये सारा खाना वाना बनाते हैं, और उसके बाद इतनी सी जगह पे ये सारा यहाँ पे काम ताम धाम करते हैं। वक्त सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन देखिए इन्होंने हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। तो देखा आपने ये वीडियो, बता दे जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बॉलीवुड स्टार्स कैसे इसे सपोर्ट करने में पीछे रह सकते थे। बस फिर क्या, एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स ने इस बाबा के ढाबे को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर के जरिए अपील कर डाली, और ये अपील सचमुच इतनी जबरदस्त निकली कि यहाँ पर लोग हुम हुमा कर पहुँचे। रवीना टंडन ने ट्वीट करते हुए कहा था, बाबा का ढाबा, दिल्ली वालों दिल दिखाओ, जो भी यहाँ पर खाना खाए मुझे तस्वीर भेजे, मैं उस तस्वीर के साथ एक स्वीट सा मैसेज लिखूंगी, सपोर्ट लोकल बिजनेस लोकल वेंडर। तो वहीं रणदीप हुड्डा भी वीडियो देख खुद को रोक नहीं पाए, और उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा था, यदि आप दिल्ली जाएं तो ब्लॉक बी हनुमान मंदिर के सामने साउथ दिल्ली। और वहीं सुनील शेट्टी ने भी लिखा, आइए उनकी मुस्कान को वापस लाने में मदद करें, हमारे पड़ोसी को हमारी सहायता की जरूरत है। और स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट कर लिखा कि चलो दिल्ली चलते हैं, बाबा का ढाबा में मटर पनीर खाते हैं मालवी नगर में। बता दें पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रही थी, और बॉलीवुड के कई स्टार्स, फिर चाहे मलाइका हो या फिर हो कृति सनन, हर कोई इस वीडियो को लाइक कर रहा है, और कुछ स्टार्स ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर कर अपना प्यार दिखा रहे हैं। वेल, बॉलीवुड हमेशा से ही हर मुद्दे पर खुलकर बोलता और अपनी सपोर्ट दिखाता नजर आया है, और बाबा के ढाबे पर अब बहुत जबरदस्त रश भी हो गया है, लोग यहाँ पर हुम हुमा कर पहुँच रहे हैं और बाबा के ढाबे का खाना खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।